रहने दो। ऐ हुसैन वालो काली काली जुल्फों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। दिस इज़ ब्लॉग्स बाय जिया एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा व्लॉग है कराची ईट्स का। कराची ईट फेस्टिवल जा रही थी मैं, तो मैंने सोचा वहाँ व्लॉग करना चाहिए, आप लोगों को भी दिखाऊँ किस तरह वहाँ फेस्टिवल लगा है और क्या क्या स्टॉल्स हैं। मैं खुद भी फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी कि क्या होने वाला, क्योंकि खाना किसको नहीं पसंद होता। खैर, यहाँ हम टिकट्स ले रहे हैं और अंदर जा के दिखाती हूँ कि सब क्या है क्या नहीं। और मैंने काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस भी देखी थी रेस्टोरेंट्स की, जो स्टॉल की थी वहाँ पे काफ़ी ब्लॉगर्स की स्टोरी पर, तो मैंने सोचा था वहाँ तो जाना ही है और उसके अलावा जो अच्छा लगा वो हम खाते रहेंगे। आज फेस्टिवल का लास्ट डे था तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, बट ऐसा नहीं था। इसी वजह से हम जल्दी भी आ गए, हम 4 बजे बिल्कुल वहाँ एग्जैक्ट पहुँच गए थे और हम कोई वहाँ से 11 बजे रात में निकले हैं। इतना हमें मज़ा आ गया था, हमने सोचा हुआ नहीं था कि हम इतनी लेट तक रहेंगे। हमने सोचा था 7 तक वापसी कर लेंगे, बट बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। और क्राउड भी इतना था कि वो बर्दाश्त हो रहा था, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी लोग नहीं आए थे और हम भी इसी डर से नहीं जाने के थे, बट इतना दिल था कि हमने कहा यार चले जाते हैं, कुछ न्यू होगा, क्योंकि आपको पता है कराची में इसके अलावा कुछ खास नहीं है घूमने के लिए, जो है हम कर चुके हैं और वही की जगह जा जा के। तो ये एक ऐसा फेस्टिवल के साल में एक दफ़ा आई थिंक लगता है और फैमिली जाके इंजॉय कर सकती है। सबसे पहले तो मुझे जाना था पानीपुरी खाने, गोलगप्पे या कुछ भी कह लें आप, मतलब वो तो फर्स्ट लव है सबका। तो सामने एक थी होममेड पानीपुरी और मैंने ये भी किसी की रिकमेंडेशन पर देखी थी। मैं यहाँ पर आई और ये आंटी थी, वो अपना बिज़नेस रन करती हैं और होममेड पानीपुरी थी और बहुत ही मज़े की थी, बहुत ज़्यादा। और बट इसकी साइज़ बहुत छोटी थी, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, छोटी छोटी थी साइज़ काफ़ी, और टेस्ट में काफ़ी अच्छी थी। इनका पानी बहुत मज़े का था, खट्टा सा। तो हमने सबसे पहले पानी पूरी खाई और ये कुछ आई थिंक 350 की थी। यही नोट किया कि वहाँ तकरीबन आइटम्स 350, 450, 550 के करीब ही थे। सेकंड स्टॉल पे गए, हमने वहाँ लिए है नैचोज और ये मुझे काफ़ी टाइम से ट्राई करने थे, ये मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही थी और ये बहुत मज़े के थे। हमेशा मैंने सुने थे काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मैंने इस दफ़ा ये भी ट्राई कर लिया। ये भी आई थिंक 450 के थे। और नेक्स्ट स्टॉप है पीक फ्रेंड्स पे, ये इनका बहुत बड़ा स्टॉल था वहाँ पर और ये स्पेशल कुछ बना रहे थे जो उन्होंने मुझे टेस्ट करवाई थी, इसमें चॉकलेट चिप्स, मार्शमेलोज और सब थी और ये भी काफ़ी अच्छा था। और ये गेम थी उनकी जो पिक करने का था, ग्लूको केक वगैरह। और नेक्स्ट स्टॉल, इसका मुझे नेम याद नहीं आ रहा, यहाँ ये था ओपन सैंडविच जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे, कुछ खास नहीं था, ब्रेड के ऊपर चीज़ थी और चिकन थी, इससे अच्छा मतलब हम घर में बना देते हैं। हाँ यही था, कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और कुछ नॉर्मल एवरेज थी। और उसके बाद हम गए नवाब डायनेस्टी, वो हमने पहले भी ट्राई किया हुआ है काफ़ी दफ़ा, वहाँ से हमने कुछ ऑर्डर किया है और साथ जो आलू मियाँ हैं उसके फ्राइज़ लिए थे और ये भी इतने कुछ खास नहीं थे, नॉर्मल से थे, अजीब सा कोई सॉस में टेस्ट था। और नवाब की एक प्लेटर था, ये बहुत ही मज़े का था, ये हम काफ़ी टाइम से खाते हुए आ रहे हैं, तो हमने एक ये लिया और साथ इनका ये लिमका था, ये तो वहाँ सभी पी रहे थे, ये भी बहुत मज़े का था। नेक्स्ट स्टॉल पर हम आए, वहाँ पिज़्ज़ा कोन था, लाइक कोन के अंदर पिज़्ज़ा की सारी फिलिंग थी,
और वो काफ़ी रश था उस पर, तो हमें टाइम लग गया। बट जब मैंने ये देखा तो ये बहुत ही वियर्ड था, अजीब ही टेस्ट दे रहा था कुछ। मतलब हम एक दूसरे को दे रहे थे, तुम खा लो तुम खा लो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और ये 350 का था और मतलब पैसे वेस्ट थे इस पे। खैर फिर यहाँ पे सभी लोग चाय पी रहे थे, मैं नहीं पीती चाय ज़्यादा। लिप्टन की सामने स्टॉल था, वहाँ पे चाय ली। और वहाँ पे टेस्टिंग काफ़ी करवा रहे थे हर आइटम्स की, मतलब हर जगह टेस्टर्स थे कुकीज़ वगैरह के। बाकी फलक पे उन्होंने अपने टेस्टर रखे हुए थे, और यहाँ शूप नूडल्स भी थे तो उन्होंने अपना टेस्टर रखा हुआ था। और जो शूप नूडल्स होते हैं ये वैसे ही थे, ये भी हमने थोड़े से ट्राई किए थे। और डिपिट का स्टॉल था, वहाँ पे वो फ्राइज़ के साथ अपनी सॉसेस ट्राई करवा रही थी। इस तरह से काफ़ी चीज़ें थी। फिर हम आ गए कुछ मीठा खाने PWC पर। हमने मिनी पैनकेक्स लिए ओरियो फ्लेवर के साथ, और स्कूप था आइसक्रीम का। TNT द नगेट टाउन, और वहाँ के नगेट्स की हमने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे थे तो सोचा ये लेते हैं। बट जब हमने सबकी प्लेट्स में देखा तो कुछ खास नहीं था। मतलब लिटरली वहाँ सब यही कर रहे थे, एक दूसरे की प्लेट्स में देख रहे थे कि कोई बात है तो हम वो ख़रीदें, तो वो हमें इतना अच्छा नहीं लगा। फिर हमने आगे गए तो यहाँ पे भी सब चिकन फ्राइज़ वगैरह यही सब है जो हम अक्सर ही खाते रहते हैं, और हमें कुछ डिफरेंट खाना था। ये द हैंस हाउस कुछ था और यही चिकन वगैरह था। फिर हमने डोसा खाया, और डोसा ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट है, हर जगह मिलती भी नहीं है। और यहाँ पे कुछ लड़की लड़कियाँ थी जो अंकल को तंग कर रही थी, जैसे इंडियन ब्लॉगर्स करते हैं स्ट्रीट फूड पर। देखें आप, ये क्या है, ये आपका अपना काम है कि ये आपको किसी ने बताया था? भैया 50 साल से डोसा लगा रहे हैं। भैया ये आलू है। डोनट्स, वहाँ पर मुझे एक आइसक्रीम ट्राई करनी थी जो मैंने इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर्स का काफ़ी देखी थी। ओडोनट्स की आइसक्रीम थी जो डोनट्स के बीच में आइसक्रीम स्कूप था, और मैंने ये लोटस फ्लेवर लिया था, और ये 250 का था और बहुत ही अमेजिंग था। अगर आप वहाँ जाएँ तो ये ज़रूर ट्राई करें। और फिर हम गए मैगनम, और मैगनम तो किसको नहीं पसंद होती, वो तो बहुत ही मज़े की थी। बट हम हर चीज़ एक एक ले रहे थे क्योंकि हम सब ट्राई करना चाहते थे, और इस वजह से हमने ज़्यादा आइटम्स खाए क्योंकि हमने सब थोड़ा थोड़ा खाया। आ गए यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था, यहाँ चैलेंज करवा रहे थे। एक मिनट में 6 डोनट्स खाने थे मीडियम साइज़ के, 600 के पहले वो खुद लें और खा के, अगर आप जीत गए तो आपको 2500 मिलने वाले थे। और ये बेचारा लड़का कब से कोशिश कर रहा था बट उससे भी नहीं हुआ। काफ़ी लोग आए और किसी से भी नहीं हुआ, आई थिंक किसी दो से ही हुआ था उन्होंने बताया, मेरे घर से भी किसी ने नहीं किया। काफ़ी रिस्क था ये। हमने काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की, डांस भी हो रहा था। फिर हम आ गए कॉर्न्स खाने, और इन्होंने इतने कोई बुरे कॉर्न्स बनाए थे, कॉर्न्स में बटर ही ऐड किया, बटर के बगैर तो कॉर्न्स अच्छे लगते ही नहीं है। बस एक दो कोई इन्होंने मसाले ऐड करके हमें दे दिया, और अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी। खैर
नेक्स्ट हम आ गए थे नेशनल के स्टॉल पर और यहाँ क्विज़ हो रहा था, सारे आप जवाब दे देंगे तो आपको बिरयानी मिलेगी। तो मैंने भी किया और एक दोनों ने क्विज़ किए, थोड़े फ़नी क्वेश्चंस किए और मैंने उस पर ये बिरयानी विन की। मुझे तो लग रहा था कुछ खास होगी नहीं है, बट काफ़ी मज़े की थी कि मेरे भाई वगैरह तो वहीं शुरू हो गए थे। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि मैं उस वक्त ये खाऊँ, लेकिन सब ने खाई और अच्छी थी काफ़ी चिकन बिरयानी इसकी। हर साल यहाँ पे कॉन्सर्ट भी होता है बट कोविड की वजह से उन्होंने इस दफ़ा नहीं किया कि रश ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद हम गए क्रेव मार्ट के स्टॉल पर, उन्होंने भी अपने गेम्स वगैरह लगाई हुई थी, आप उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो गेम्स खेल सकते हैं, बट हमने नहीं किया। हम जा रहे थे बाय की तरफ, 11 बज गए थे, हम थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। जाते हुए रास्ते में हमने डोमिनोज का पिज़्ज़ा ले लिया और कारमील खा लिया था, इतनी कोई ख़ास भूख नहीं थी फिर भी सबने कहा एक एक पीस खा लेते हैं, डिनर हो जाएगा हमारा। और घर आके ये सारा सामान, ये जो मैंने वो डोनट्स भी वहाँ से लिए थे कुछ, और डोमिनोज का लावा था, और मुझे वहाँ से कोई क्रीम चीज़ भी मिली थी, फलक का मसाला मिला था टेस्टर पर, चिली गार्लिक फ्राइज का मसाला था। न्यू कंपनी थी स्विस जिन्होंने अपनी क्रीम चीज़ लॉन्च की थी, तो उन्होंने अपने टेस्टर्स काफ़ी सारे दिए, हमें भी 3-4 बॉटल्स दी। एनीवेज़ आई होप आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा जितना इन्जॉय मैंने किया, इसलिए लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें और कमेंट करके बताएं आप नेक्स्ट क्या देखना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।